तो दोस्तों आज हो गई है 12 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लखीमपुर खीरी कांड, किसान संगठनों का सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम खत्म, आज से देशव्यापी आंदोलन की बड़ी तैयारी आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में किसान संगठनों का सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। अब इस मामले में संगठन देश भर में प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर रहा है। किसानों का कहना है कि मंगलवार तक सरकार को दी गई मांगों को यहां पर लेकर के इंतजार करेंगे, इसके बाद यूपी सहित देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान संगठनों की लगातार मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को यहां पर बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब यहां पर किसान संगठनों ने यूपी सरकार के साथ बैठक की थी उसमें ये प्रमुख मांग रखी थी कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन देख सकते हैं कि मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, जिसके बाद किसान संगठनों का सरकार के ऊपर गुस्सा फूट रहा है और अब यहां पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है किसान संगठनों ने और जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में भगदड़, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है योगी सरकार के चार मंत्री। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा छोड़ करके भाजपा में गए नेता अब कांग्रेस और सपा नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि वहां टिकट मिलने के आश्वासन के साथ भाजपा छोड़ करके कांग्रेस अथवा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकें। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि योगी सरकार के चार मंत्री प्रियंका गांधी के लगातार संपर्क में हैं और वहां जल्द ही भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसी नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यहां पर दलील दी है कि प्रियंका गांधी जिस तरह प्रदेश में सक्रिय होकर के योगी सरकार से टक्कर ले रही हैं उससे योगी आदित्यनाथ खुद ही बेचैन हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा दावा किया गया है कि योगी सरकार के चार मंत्री प्रियंका गांधी के लगातार संपर्क में है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, वरुण गांधी के समर्थन में उतरी है शिवसेना, कहा उबल गया इंदिरा के पोते का खून, लखीमपुर मामले पर बीजेपी को घेरा है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा लगातार खोले हुए हैं। किसानों के समर्थन में उतरे वरुण गांधी को अब शिवसेना का भी समर्थन मिल गया है। शिवसेना ने वरुण गांधी का समर्थन करते हुए कहा है कि अब इंदिरा गांधी के पोते का खून उबल गया है। इसके अलावा शिवसेना ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के वरुण गांधी का खून खौल उठा और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि वरुण गांधी ने किसी परिणाम के बारे में बिना सोचे समझे राजनीतिक साहस दिखाया है और किसानों की हत्या की निंदा की है। और वहीं शिवसेना ने किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज यहां पर बुलंद करने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की जमकर के तारीफ की है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर चुप रहने वाले सांसदों को जबरदस्त तरीके से घेरा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने कहा खत्म हो देशद्रोह कानून, सरकारें आएंगी जाएंगी, नागरिकों का खुलकर के सांस लेना जरूरी है। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन ने कहा है कि नागरिकों का खुलकर के सांस लेना जरूरी है, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, इसके लिए जरूरी है कि देशद्रोह कानून रद्द कर दिया जाए और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर के बने यूएपीए कानून के भी कुछ हिस्सों को यहां पर खत्म कर दिया जाए।
आप लोगों को बताते चले, जस्टिस नरीमन ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वह लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास ना भेजे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124A और UAPA कानून के कुछ हिस्सों को यहाँ पर खुद ही खत्म कर दे, जिससे यहाँ के नागरिक खुलकर के सांस ले सकें। ये यहाँ पर बड़ी टिप्पणी कर दी है रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने, और इशारों ही इशारों में केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और MLA संजीव कांग्रेस में हुए हैं शामिल। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप लोगों को बताते चलें, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री का यहां पर बीजेपी छोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, लखीमपुर खीरी हिंसा केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को नहीं मिली है राहत। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा। आप लोगों को बताते चलें, कोर्ट ने पुलिस को आशीष की 3 दिन की रिमांड दे दी है, और वहीं पुलिस ने आशीष मिश्रा को यहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, कश्मीर में जवान मारे जा रहे हैं, लखीमपुर में किसान मारे जा रहे हैं, यही भाजपा का शासन है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरनकोट में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशनड अधिकारी समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। और वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में जवानों के शहीद होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि लखीमपुर खीरी मामले और उत्तर प्रदेश में किसान मारे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जवान मर रहे हैं, यही भाजपा का शासन है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, इन 100 कारणों से सत्ता गमाएगी NDA। चिदंबरम बोले, सिर महंगाई के लिए मोदी सरकार को कर दिया जाना चाहिए बेदखल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र में NDA को 100 कारणों से चले जाना चाहिए, बल्कि सिर महंगाई के लिए केंद्र सरकार को बेदखल कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में पी चिदंबरम ने कहा है कि एक बच्चा भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच संबंध को समझाने में सक्षम होगा। और वहीं चिदंबरम ने आगे कहा है कि यदि आप सिर्फ ईंधन के लिए 1,000 रुपए का भुगतान करते हैं तो आप क्या खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पका सकते हैं। इस सरकार को 100 कारणों से जाना चाहिए, बल्कि केवल महंगाई पर ही इस सरकार को चले जाना चाहिए। और वहीं चिदंबरम ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की परवाह नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैसे की भारी भूख है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, एयर इंडिया को बेचने को लेकर के बीजेपी सांसद ने फिर कसा है तंज। मोदी सरकार के कदम को बताया है पूंजी स्कीम। आप लोगों को बताते चले, भारत की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अब टाटा की हो चुकी है, लेकिन इसकी बिक्री को लेकर के बीजेपी के अपने ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार जहां एयर इंडिया के निजीकरण से काफी खुश है, और वहीं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस सौदे को लेकर के सरकार पर लगातार हमला बरसाए। आप लोगों को बताते चलें, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट कर इसे पूंजी स्कीम कहा है। स्वामी ने लिखा, एयर इंडिया की खरीद के लिए 15,000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में जुटाने की संभावना है, मतलब जिस एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेचा उसे सरकारी बैंक ही फाइनेंस कर रही है, ये पूंजी स्कीम है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने,
लखीमपुर खीरी हिंसा, कांग्रेस का अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए देशव्यापी मौन व्रत। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में की है अगुवाई। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने के लिए देशव्यापी मौन व्रत के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न राज्यों की राजधानी में मौन व्रत रख करके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की है। यूपी में खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत की कमान संभाली और इस सरकार को घेरा है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।